Hi students, so we are going to start the booster for capacitance. Capacitance is a topic which is directly or indirectly linked with electrostatics. So electrostatics के आपने दोनों booster देख लिए होंगे, जिसमें मैंने variety of cases में कोशिश ये करी कि आपके electrostatics की जो fundamental theory है उसके enhanced application पे आपका brain open up हो सके और नए तरह के questions पे आप direct attack कर सकें. और I'm expecting आपने एडवांस इलस्ट्रेशन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सेक्शन का था उसको ज़्यादातर देख लिया होगा, बिकॉज दैट इज एक्सट्रीमली यूजफुल एंड इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बूस्टर एज वेल एज जेईई एडवांस एग्जामिनेशन. जो भी स्टूडेंट अपकमिंग जेईई एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन सभी के लिए, चाहे क्लास 11th में है, 12th में है, 12th पास में है, एट एनी लेवल दीज बूस्टर्स विल बी एक्सट्रीमली यूजफुल ओनली व्हेन आपने रिविजन चेकलिस्ट अच्छे से कवर कर लिया और चैप्टर पूरा हो चुका है. हमारे पास कई कमेंट्स भी स्टूडेंट्स के आ रहे हैं कि सर जो बूस्टर्स हैं इसको देखने के लिए क्या रिवीजन चेकलिस्ट जरूरी है. तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट आपका चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए, फिर रिवीजन चेकलिस्ट आपकी देखी हुई होनी चाहिए ताकि आपके फंडामेंटल लेवल पे चीज़ें रेडी हों और बेसिक शॉर्ट नोट्स आप रिवीजन चेकलिस्ट से बना के रखें. फिर अगर आप बूस्टर देखेंगे और एडवांस इलस्ट्रेशन कवर करेंगे तो आपके एडवांस लेवल प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल के ऊपर चली जाएगी. सो दैट्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट. हमारे नए व्यूअर्स के लिए आई वुड से अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इमीडिएटली सब्सक्राइब एंड कीप योर notification on for the best content for JEE Main, JEE Advanced, NEET examination. सारी specified चीजें हैं, तो that you need to keep in mind कि सारी चीजें जो चैनल के ऊपर आ रही हैं. कई बार ऐसे फंडामेंटल वीडियोस भी आते हैं फिजिक्स इन मिनट सीरीज के अंदर, ऑनियन सीरीज के अंदर, जिन वीडियोस की इंपॉर्टेंस बहुत हाई होती है, होते बहुत एलिमेंट्री हैं. तो कई फंडामेंटल चीज़ें भी आएंगी, तो आप कोशिश करें जितने भी वीडियोस हैं चाहे वो छोटे हैं या बड़े हैं, सिर्फ चेकलिस्ट वीडियोस थोड़े लंबे होते हैं, बाकी ज़्यादातर वीडियोस हमारे छोटे होते हैं, तो उन पे फोकस करेंगे तो इट विल टोटली अलाइन विद योर फाइनल गोल ऑफ प्रिपरेशन. आइए स्टार्ट करते हैं बूस्टर ऑन कैपेसिटेंस. स्टूडेंट्स बूस्टर चेकलिस्ट जो कैपेसिटेंस की है उसको हम चार पार्ट में डिवाइड करेंगे, लेकिन मैं पहले भी बता चुका हूं जैसे प्रीवियस बूस्टर्स मैंने लिए, मैं कोई ऑर्डर फॉलो नहीं करूंगा क्योंकि मेरा ये पर्पस नहीं है कि मैं यहाँ पे पूरे के पूरे सिलेबस को रिवाइज कराऊं, क्योंकि जेईई एडवांस कभी भी कोई सिलेबस से लिंक नहीं रखता. टॉपिक आपको पूरी तरह से आना चाहिए और क्वेश्चन किसी भी तरह के फ्रेम होके, रिसर्च पेपर्स में से फ्रेम होके डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं. सो चार मेजर सेक्शन है जिसमें कैपेसिटेंस का टॉपिक डिवाइडेड है, दैट इज कैपेसिटेंस कैलकुलेशन, dielectrics and capacitor. There are many varieties I'm going to take up. Capacitive circuits and then RC circuit. RC circuits में भी दो चीजें हम करेंगे. पहली चीज तो बात करेंगे RC circuit की in a steady state, जब करंट या चार्जेस कैपेसिटर पे कांस्टेंट हो जाते हैं, और दूसरा हम बात करेंगे इन ट्रांजिएंट स्टेट. ट्रांजिएंट स्टेट मतलब यहाँ पे वो वाला सेक्शन आएगा चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग वाला. So there are variety of things which are useful about capacitance we are going to take up, but क्योंकि RC circuit में resistance involved है, current electricity involved है, तो I strongly suggest कि आप हमारे जो concept videos हैं current electricity के कुछ ही घंटों में cover हो जाएंगे, even मिनटों में cover हो जाते हैं. वो concept video अगर देख के रखेंगे तो इस section में आपको ज़्यादा फायदा होगा. और जो रिवीजन चेकलिस्ट है जैसा मैंने बताया, अगर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटेंस दोनों की रिवीजन चेकलिस्ट देख के रखते हैं तो दिस विल बी एक्सट्रीमली एडवांटेजेस फॉर यू. आइए स्टार्ट करते हैं. थैंक यू भाजी. सो स्टूडेंट लाइक एज यूजुअल मैंने अपने बॉडी का सैचुरेशन डाउन कर दिया ताकि आपका मेन फोकस कंसंट्रेशन व्हाट आई एम राइटिंग उसके ऊपर रहे. सो वी आर स्टार्टिंग विद द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर. बहुत सारे स्टूडेंट को बेसिक लेवल पे कई कंफ्यूजन होते हैं. अगर हमारे पास एक ये कंडक्टर है, दिस इज अ मेटल बॉडी, और हमसे पूछा गया इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम कैपेसिटेंस वर्ड की बात करते हैं तो कैपेसिटेंस हमेशा इट इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर एन एसोसिएटेड सिस्टम. कैपेसिटेंस कभी भी किसी एक बॉडी की नहीं होती, एक सिस्टम की होती है. अब बात ये आती है कि भाई कौन सा सिस्टम. तो अगर इस मेटल बॉडी को चार्ज सप्लाई किया जाए बाहर से, आप लाके इसको क्यू चार्ज दे दो, तो इसकी वजह से इसकी सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश होगा. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी सराउंडिंग में एस्टेब्लिश होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ तक एग्जिस्ट करेगा हम ये कह सकते हैं उस पूरे रीजन में फील्ड एनर्जी आएगी. तो इस चार्ज को देने से जिस पूरे रीजन में, जिस पूरे सिस्टम में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, तो कैपेसिटेंस टर्म इज एसोसिएटेड विद दैट सिस्टम. या आप ये कह सकते हैं सिस्टम इज द रीजन इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कंडक्टर एग्जिस्ट. जिस कंडक्टर की हम कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जिस रीजन में एग्जिस्ट कर रहा है वो पूरा सिस्टम है जिसकी कैपेसिटेंस डिफाइन करेंगे. सो अब क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रहा है, इट इज गोइंग अप टू इन्फिनिटी. इन्फिनिटी का पोटेंशियल हमको पता है जीरो होगा. और इस मेटल का पोटेंशियल मान लेते हैं V1 है, तो जो इस सिस्टम की कैपेसिटेंस होगी आप डिफाइन कैसे करेंगे, सिस्टम कैपेसिटेंस डिफाइन की जाती है, वही फॉर्मूला आ जाएगा जो हमने करा हुआ, दिस रिटन एज Q डिवाइडेड बाय V1 माइनस V इन्फिनिटी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ से जहाँ तक जा रहा है उनके पोटेंशियल्स का डिफरेंस आप लोगे, so we can write it Q by V1, so this is the capacitance of the system and this way we calculate. तो most elementary case अगर ले लें कि अगर एक स्फीयर है R रेडियस का, इसको हमने Q चार्ज दिया, तो ये चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहाँ तक जाएगा, इट गोज अप टू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी का पोटेंशियल हम जीरो लेंगे, इसका पोटेंशियल हो जाएगा भाई KQ by R, तो कैपेसिटेंस ऑफ दिस स्फीयर कहलाएगी ये कैपेसिटेंस ऑफ स्फीयर, बट एक्चुअली ये किसकी कैपेसिटेंस है, ये स्फीयर से लेके इन्फिनिटी तक की कैपेसिटेंस है, एंड दिस रिटन एज Q डिवाइडेड बाय KQ बाय R व्हिच बिकम्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फीयर। अगर थोड़ा सा चेंज करें तो ये भी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, आई डोंट वांट टू take up all the things which you already studied earlier, but still just to give weightage on what I have given you, that will help you. अगर हमको कैलकुलेट करना है कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर, ऑलरेडी आपने कवर करा हुआ है बट स्टिल आई एम टेकिंग अप टू री एम्फेसाइज व्हाट आई हैव गाइडेड यू। स्फेरिकल कैपेसिटर में दो शेल्स होती हैं विच आर कॉन्सेंट्रिक, अब कई स्टूडेंट्स के बिना सोचे ही अगर रेडियस ए है, ये अगर रेडियस बी है तो कह देंगे भाई इसकी जो कैपेसिटेंस होगी वो होगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए, रटा हुआ है बहुत अच्छे से, बट बेटा हमेशा क्वेश्चन थोड़ा केयरफुली पढ़ लिया करो। कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर ठीक है, बट अगर ये कहा जाए कि इस अंदर वाले स्फीयर को चार्ज प्लस Q दिया है, इसको माइनस Q दिया है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकल के यहाँ टर्मिनेट हो जाएगा और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा, सो इन दैट केस इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इसी रीजन में यानी एन्युलर रीजन में एग्जिस्ट कर रहा है, ये 1 है ये 2 है, तो कैपेसिटेंस बन जाएगी भाई Q डिवाइडेड बाई V1 माइनस V2 जैसा भी बताया था, सो यहाँ पे ये हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई V1 का वैल्यू आप क्या लिखोगे, इसकी खुद की वजह से इसका पोटेंशियल होगा KQ बाई A और बाहर वाले शेल की वजह से पोटेंशियल होगा माइनस KQ बाई B, और V2 कैलकुलेट करोगे तो इसकी खुद की वजह से माइनस KQ बाई B प्लस अंदर वाले की वजह से KQ बाई B, तो ये जीरो आ जाएगा। व्हेन यू पुट दिस वैल्यू ओवर हेयर दिस गिव्स यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस A। लेकिन सेम केस में ये हमारा केस 1 माना जा सकता है, इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे केस 2 लेते हैं, बहुत ध्यान से आप समझो, केस 2 में सिचुएशन इज दिस, सेम दो स्फेरिकल शेल्स लिए हमने, इनर रेडियस A है आउटर रेडियस B है, लेकिन चार्ज सिर्फ इस पे प्लस Q दिया और किसी पे तो भाई हमने चार्ज दिया ही नहीं। नाउ व्हाट विल हैपन, क्या इसके अंदर फील्ड होगा, नहीं होगा, ये चार्ज अंदर से लेके इन्फिनिटी तक इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, अंदर कोई फील्ड होगा ही नहीं। अब इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, आप डायरेक्टली लिख सकते हो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B होगी, जो अभी भी समझाया था, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट फ्रॉम B टू इन्फिनिटी, सो ये 1 हो गया और 2 इन्फिनिटी हो गया, तो वही स्फेरिकल कैपेसिटर लेकिन चार्ज आउटर शेल को देने की वजह से फर्क पड़ गया है। सो यू नीड टू बी एक्सट्रीमली कॉन्शियस एंड केयरफुल। यहाँ पे हमने इसको प्लस Q इसको माइनस Q दिया, या कह सकते हो कि यहाँ एक बैटरी लगाई और बैटरी लगा के स्विच को क्लोज किया, तो बैटरी लगाते हैं तो बैटरी एक टर्मिनल से चार्ज उठा के दूसरे पे डालती है, तो ये प्लस ये माइनस हो जाता है, तो दिस द करेक्ट आंसर जो निकाला। लेकिन अगर हमने बैटरी यहाँ और इन्फिनिटी के बीच में लगाई, अंदर वाले तो टर्मिनल को यूज ही नहीं किया, इन्फिनिटी के बीच में बैटरी लगाओगे कैसे, ये बैटरी को स्विच से कनेक्ट करके अर्थ कर दो, सो अर्थ इज एट जीरो पोटेंशियल, तो दिस इज अ वे टू कनेक्ट अ बैटरी बिटवीन अ टर्मिनल एंड इन्फिनिटी। बैटरी को अर्थ से कनेक्ट करते ही क्या होगा, ये 0 वोल्ट और इस आउटर शेल के बीच में V वोल्ट आ गया, तो यहाँ पे प्लस Q दे देगा और निकाल के अर्थ पे माइनस Q डाल देगा या इन्फिनिटी हो जाएगा, अर्थ इन्फिनिटी दोनों भी इक्वल टू 0 माने जाते हैं। सो इन दैट केस कैपेसिटेंस विल बी दिस। तो बैटरी कहाँ कनेक्ट करे उस पर बहुत डिपेंड करता है। देयर आर 2 मोर केसेस जो मैंने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट वीडियोज में लिए हुए हैं, और इवन एडवांस इलस्ट्रेशन में भी कई चीजें मिल जाएंगी, तो अब सारे केसेस यहाँ लेने की जरूरत नहीं है। आई जस्ट नीड टू एक्सप्लेन यू कि हाउ वी हैंडल सच केसेस। स्फेरिकल कैपेसिटर, अगर दो स्फेरिकल शेल हैं तो रटना नहीं है कि ये कैपेसिटेंस है, अगर कुछ गिवन नहीं है या बैटरी इन दोनों शेल के बीच में, तो ये केस करेक्ट है, अदरवाइज देयर आर मल्टीपल केसेज यू नीड टू कीप इन माइंड। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। Thank you, Boji. So एक और केस देखते हैं capacitance calculation का. We are required to calculate the capacitance of the sphere shown in figure. क्वेश्चन में given है एक metal sphere R1 radius का है और इसके सराउंड में R2 radius की एक डाइलेक्ट्रिक लेयर है, कोई और मेटल प्लेट नहीं है. यानी अगर इस पे प्लस क्यू चार्ज दिया जाए तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर से बाहर तक यानी अप टू इन्फिनिटी जाएगा. सो यहाँ पे अपना 1 तो हो गया ये मेटल स्फीयर और 2 हो गया इन्फिनिटी. तो कैपेसिटेंस यू कैन डायरेक्टली राइट एज क्यू डिवाइडेड बाई V1 माइनस V2 और V2 को आप चाहो तो 0 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. यानी पोटेंशियल ऑफ स्फीयर निकालना है ना. हाउ यू विल कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ स्फीयर व्हिच इज सराउंडिंग अप टू अ रेडियस R2 बाय अ डाइलेक्ट्रिक लेयर. बेसिक फार्मूला आपके पोटेंशियल कैलकुलेट करने का कि इन्फिनिटी से 1 कूलम चार्ज को किसी भी पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है, दैट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सो यू कैन राइट पोटेंशियल ऑफ अ स्फीयर इज पोटेंशियल ऑफ अ स्फीयर कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ ये बाहर का ई एयर डॉट डी आर फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर टू. इन्फिनिटी से R2 तक का माइनस लगाएंगे, फिर माइनस लगाएंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम R2 टू R1. R2 से आप R1 तक आओगे एंड यू विल राइट E इन द डाइलेक्ट्रिक डॉट डी आर. दिस द वे हाउ यू विल कैलकुलेट. एंड व्हाट इज दिस टर्म, दिस ऑल ऑफ यू नो. स्फीयर के इलेक्ट्रिक फील्ड का अप टू R2 तो होता है 1/4πε0 इंटू क्यू बाई R2. ये तो ऑलरेडी पता है हमको के क्यू बाई आर होता है किसी भी आर डिस्टेंस का पोटेंशियल. अब R2 से R1 जाने का अगर निकालना तो प्लस कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे. इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/4πε0 टू क्यू बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स एंड विल इंटीग्रेटेड फ्रॉम R1 टू R2. माइनस को प्लस कर दिया, लिमिट्स बदल दी. सी व्हाट वी आर गेटिंग. वी ऑफ अ स्फीयर विल बी 1/4πε0 क्यू बाई R2 प्लस 1/4πε0 इंटू क्यू. दिस माइनस 1/x, फिर लिमिट्स चेंज हो जाएंगी यहाँ पे. सो माइनस पहले वाले से भी आप हटा सकते थे तो इन मैग्नीट्यूड ले लो आप, तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो दिस गिव्स यू क्यू मल्टीप्लाइड बाय R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2. वैल्यू आ गई वी स्फीयर, तो दिस इज एक्चुअली V1. इसको उठा के आप यहाँ पे डाल दो, V2 आपका 0 ही है. So you will get the capacitance. So I'm not getting into mathematics. आप सिर्फ वैल्यू कैलकुलेशन को समझो कि कैसे हम एवेल्युएट कर रहे हैं. सो दिस मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि कैलकुलेशन इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. दिस अ वेरी फंडामेंटल थिंग. लेकिन कैपेसिटेंस निकालने का जो बेस लॉजिक है वो क्लियर होना चाहिए. कैपेसिटेंस पूरे सिस्टम की होती है जिस सिस्टम में जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा हो. दैट्स वॉट वी आर कैलकुलेटिंग. अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें तो सेम लॉजिक एक्सटेंड कर सकते हैं. दिस ऑल ऑफ यू आर वेल अवेयर ऑफ. अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें तो आई एम नॉट गेटिंग इनटू द डेरिवेशन. मैं सिर्फ इसके कुछ स्पेसिफिक केसेस ले लेता हूं जो आपको आइडिया होने चाहिए, जो रिवीजन चेकलिस्ट में भी बता दिए गए हैं. बेसिक आइडिया है कैपेसिटेंस फॉर अ सिस्टम ऑफ पैरेलल प्लेट्स जो हम लिखते हैं ε0 ε r या k a बाई डी वेयर k इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ये उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है जिसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू स्मॉल k है. प्लेट्स ए बी हैं, इसका प्लेट एरिया हमने यहाँ पे ए ले लिया है और दिस कनेक्टेड विद अ बैटरी. और आपको पता है जब अभी हमने बात करी थी बैटरी कनेक्ट करेंगे तो प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज आएंगे, वो सरफेसेस पे होंगे, आउटर पे हमेशा 0 होता है. सो विच एवर चार्ज इज देयर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इज बिटवीन द प्लेट्स. तो ये जो कैपेसिटेंस निकली है इसके बीच के रीजन की निकली है, बाहर की बात नहीं हो रही. दिस ओनली इन द रीजन बिटवीन द टू प्लेट्स क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बैटरी एस्टेब्लिश ही बीच में करती है. अगर प्लेट्स पे अलग अलग चार्ज हैं तो क्या होगा, दैट ऑल्सो आई विल टेक, बट बेस कंसिडरेशन यू शुड नो अबाउट इट. अब इसके अंदर हम बात करें एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए. एनर्जी स्टोर्ड इज रिटन एज आइदर हाफ सी वी स्क्वायर और इट इज क्यू स्क्वायर बाई 2c और इट इज रिटन एज हाफ सी वी. अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स की बात करें सो इन एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक और इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक डायरेक्टली आप इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू v बाई डी लिख सकते हैं. चार्ज की टर्म्स में निकालेंगे तो यू राइट सिग्मा बाई ε0 इंटू ε r. दिस द वे हाउ यू राइट, क्योंकि अगर डाइलेक्ट्रिक है तो डाइलेक्ट्रिक में घुसने पे इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगा ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस. तो अगर हम बात करें बाउंड चार्जेस ऑन डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक के बारे में थोड़ा आगे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे. तो बाउंड चार्जेस जो हम बात करते हैं वो होता है हमारे पास, अभी हमने थोड़े टाइम पहले जब बूस्टर में डिस्कस किया था कि एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो चार्ज कितने होते हैं उसके ऊपर, तो दिस एप्सिलॉन नॉट ई ए 1 माइनस 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस व्हाट वी डिस्कस। तो यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट ई ए है, ई को आप सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो और सिग्मा ए कैन बी रिटर्न एज क्यू, सो दिस बिकम्स क्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस कैन बी टेकन अप। व्हाई? बिकॉज ई वी राइट एज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डाइलेक्ट्रिक के बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस रीजन में। जिस डाइलेक्ट्रिक पे इलेक्ट्रिक फील्ड इम्पोज हो रहा है वो बाहर का एक्सटर्नल फील्ड कितना है वो हम स्पेस वाला लेंगे, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखा जाएगा। तो छोटी छोटी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। अब इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कई बार पूछा जाता है फोर्स बिटवीन प्लेट्स, डाइलेक्ट्रिक के केसेस में आगे अलग से लेता हूँ। फोर्स बिटवीन प्लेट्स अगर बात होंगी तो फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, so that can be calculated like this, this is written as q square by 2 epsilon naught a। यहाँ डाइलेक्ट्रिक का रोल ही नहीं है क्योंकि प्लेट्स एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगी, डाइलेक्ट्रिक हो या ना हो इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, उसकी वजह से नेट फोर्स जीरो ही रहेगा। सो ये रिलेशंस आपको ध्यान रखना है, इन पे कई तरह के केसेस बन जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिसिस फॉर कैपेसिटर कैलकुलेशन, क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को ही यूज करके हम कई और चीजें भी इवेलुएट कर सकते हैं। थैंक यू फौजी। सो स्टूडेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ऑल्दो ये मैं कॉन्सेप्ट वीडियो में ले चुका हूँ लेकिन फिर भी कुछ वेरिएशंस यहाँ डिस्कस करेंगे। रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से कह लीजिए कि एडवांस में वैरायटी ऑफ केसेस के ऊपर स्ट्राइकिंग इफेक्ट डेवलप करने के लिए दिस वेरी इंपॉर्टेंट। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा है, विच इज गिवन एज AX+C, और इसका प्लेट एरिया दिया हुआ है LB, तो L इज द लेंथ, B इज द विड्थ ऑफ दिस प्लेट। और क्वेश्चन जो आएंगे वो इस तरह से आएंगे, कैलकुलेशन बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज वराइंग पैरामीटर ऑन विच द कैपेसिटेंस डिपेंड्स। सो अगर हमें कैलकुलेट करनी है कि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अक्रॉस टर्मिनल एक्स एंड वाई कैपेसिटेंस क्या होगी, CXY निकालना दिस इज द क्वेश्चन इन दिस केस। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम वन साइड वी कंसीडर एन एलिमेंटल विड्थ विच इज dx। ये dx विड्थ का एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे। इफ देयर इज एन एलिमेंट ऑफ विड्थ dx, सो इन दैट केस हम ये चेक करते हैं कि यहाँ पे इस छोटे से एलिमेंट की कैपेसिटेंस dc क्या होगी। इफ वी टॉक अबाउट दिस कैपेसिटेंस dc, दिस कैन बी गिवन एज एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और इसका एरिया क्या होगा, विड्थ ये dx और अंदर डेप्थ b है, ये ऑलरेडी हमने लिख लिया क्योंकि टोटल एरिया इज LB। So this will be B dx divided by separation is D, if D is the plate separation. So अगर D यहाँ पे plate separation है और ये हमारे पास DC निकल के आ गया, तो you can see all such elemental capacitors are in parallel, क्योंकि इनकी सबकी top plates connected हैं, bottom connected हैं, तो C equivalent in such case we write integration of DC, क्योंकि सारे DCs add up करने हैं। So this will be integration of epsilon naught B by D, epsilon r you can write AX+C multiplied by dx and limit will be from 0 to L, ये तुम्हारी कैपेसिटेंस निकल के आ जाएगी। सेम लॉजिक, ये तो सारे पैरेलल में आ गए। कई बार ऐसे होते हैं जहां DC सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, अगर मान लो यही डाइलेक्ट्रिक वेरिएशन अलोंग द लेंथ की बजाय परपेंडिकुलर टू द लेंथ हो रहा होता तो क्या होता। सो दैट ऑल्सो वी कैन क्विकली एनालाइज, ताकि ये पूरा लॉजिक दिमाग में रहे। यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का वेरिएशन है, we can write this variation of epsilon r along length of plates की length के along variation हो रहा है। अगर perpendicular to plate हम variation की बात करेंगे, then how we talk about it, have a look on the same question, same situation, वही CXY निकालना है। Situation is this कि this is the plate, this is another plate, plate separation is D, प्लेट लेंथ इज L, प्लेट एरिया हमको गिवन है दिस A इज इक्वल्स टू LB, सो इट इंडिकेट्स B इज द विड्थ। यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक है एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम वन प्लेट, यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो दिया हुआ है AX+C, सो इट इज वेराइंग परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ प्लेट्स। प्लेट्स की लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अब ये वेरिएशन हो रहा है। सो इन दैट केस एट ए डिस्टेंस x इफ वी कंसीडर एन एलिमेंट, सो दिस एलिमेंट विल बी ऑफ विड्थ dx। अब ये जो कैपेसिटेंस इसकी होगी हमारे पास DC, ऑल सच DCs आर कंसिडर्ड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, एक के आगे एक लगी हुई है, तो यहाँ पे DC हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन, एरिया पूरा लेंगे क्योंकि इसका प्लेट एरिया पूरा है, डिवाइडेड बाय जो प्लेट सेपरेशन है वो dx है। एंड नाउ वी से 1 by C equivalent is equals to integration of 1 by DC because in series combination reciprocal setup होता है, so this will be integration of dx upon epsilon naught A and epsilon naught we can write as ax plus C and this will be integrated from 0 to D and when you integrate correspondingly this gives you the final answer. सो ये हमेशा ध्यान रखना, अगर एलिमेंटल कैपेसिटर्स या पैरामीटर्स का वेरिएशन इस तरह से हो रहा है कि एलिमेंटल कैपेसिटर्स सीरीज में है तो 1 बाई DC को इंटीग्रेट करोगे, पैरेलल में जैसा भी डिस्कस किया था तो DC को इंटीग्रेट करोगे। सेम हम यहाँ पे लिमिटिंग केस की बात कर सकते हैं, लिमिटिंग केस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर बिकॉज दिस ऑल्सो वेरी यूजफुल एंड इम्पॉर्टेंट। अगर मान लेते हैं हमारे पास एक ये इनर स्फेयर है और एक ये आउटर स्फेयर है, अभी कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, इसका इनर रेडियस A है और आउटर रेडियस B है और हमें इसकी कैपेसिटेंस निकालनी है ये Y और इस X के बीच में। सो आप देखें प्लेट एरिया अंदर से बाहर तक वेरी हो रहा है, तो व्हाट वी कैन डू एट ए डिस्टेंस X वी कैन कंसीडर एन एलिमेंटल कैपेसिटर ऑफ विड्थ dx। यहाँ पे dx विड्थ का एक एलिमेंटल कैपेसिटर कंसीडर कर लेते हैं। इस कैपेसिटर की आप अगर DC देखोगे तो ये होगी एप्सिलॉन नॉट, इसका प्लेट एरिया जो होगा वो होगा 4 पाई x स्क्वायर डिवाइडेड बाई प्लेट सेपरेशन इज dx, ये दो प्लेट्स हैं। अब ये वाले सारे कैपेसिटर आप देखो A से B तक क्या हो रहा है, फ्रॉम इनर प्लेट टू आउटर प्लेट जो स्फेरिकल शेल्स हैं उनके बीच में सीरीज में कनेक्टेड है, तो 1 बाई सी एक्स वाई यू कैन राइट एज इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई डी सी दिस इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर यू विल इंटीग्रेटेड फ्रॉम A टू B, तो cxy वही आ गया जो हमने अभी A और B प्लेट के बीच की बात करी थी, दैट वाज द वैल्यू ऑफ cxy इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ab अपॉन B माइनस A, दिस इज द रिजल्ट वी आर गेटिंग। अगर यही चीज बाहर के लिए निकालोगे B टू इंफिनिटी तक इंटीग्रेट करोगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b आ जाएगा। सो पैरामीटर वेरिएशन इज अ गुड कॉन्सेप्ट, कई बार इस तरह का ये क्वेश्चन JEE एडवांस में पूछा जा चुका है कि एक प्लेट है और दूसरी प्लेट को थीटा एंगल पर टिल्ट करके रखा है, सेम क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी एडवांस इलस्ट्रेशन में भी दिया हुआ है, तो इसकी कैपेसिटेंस निकालनी है तो भी आप क्या कर सकते हैं वही x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे फिर पैरेलल में इंटीग्रेट करेंगे। इस तरह के कई केसेस एडवांस इलस्ट्रेशन में, आइदर यू कैन फॉलो द बुक ऑफ 700+ एडवांस इलस्ट्रेशन और यू कैन वॉच द वीडियोज ऑफ एडवांस इलस्ट्रेशन दैट हेल्प्स इन ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग। सो ये कैपेसिटेंस के फंडामेंटल केसेस हैं जो आपको सारे दिमाग में रखने हैं, इस तरह की चीज़ें। अभी कुछ चार्जिंग से और एनर्जी से रिलेटेड भी केसेज हम देखेंगे, फिर सर्किट एनालिसिस पे चलेंगे। थैंक यू फॉर जी। So student, one more case is very important regarding parallel plate capacitor, that is cases of different charges on plates of parallel plate capacitor. हमने अभी डिस्कस किया था कि if we are having a parallel plate capacitor connected to a battery, तो बैटरी हमेशा क्या करेगी, इस प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज देगी, इस पे माइनस क्यू देगी, चार्ज सिर्फ इधर से उधर रीडिस्ट्रीब्यूट होता है। सो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन बिटवीन। कैपेसिटेंस जब भी बात होगी वो दोनों प्लेट्स के बीच के रीजन की होगी, बाहर नहीं होगी। अगर मान लेते हैं इस तरह की सिचुएशन है, वी आर हैविंग अ कैपेसिटर से इट्स कैपेसिटेंस इज 5 माइक्रोफैरड और इस कैपेसिटर की प्लेट x और y में x पे हमने 20 माइक्रोकूलम चार्ज दे दिया और y के ऊपर -40 माइक्रोकूलम चार्ज दे दिया, और हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है वी एक्स वाई निकालना, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्स वाई। तो पहली चीज तो आप क्या करेंगे जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा, अगर दोनों प्लेट्स ये अगर एक्स वाई कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैरड है तो ये हमेशा बीच के रीजन की ही होगी बाय डिफॉल्ट, हमेशा आप मान के चलेंगे, विल नॉट टॉक अबाउट आउटसाइड रीजन। सेकेंड पॉइंट, जब भी अलग अलग चार्जेस हैं यू नीड टू रीडिस्ट्रीब्यूट द चार्जेस ऑन द प्लेट्स। सो आउटर सरफेस पे टोटल का हाफ होता है, तो टोटल यहाँ पे हो गया -20, तो यहाँ चार्ज होगा -10, यहाँ भी होगा -10। इफ दिस टोटल इज 20, दिस चार्ज मस्ट बी 30 माइक्रोकूलम एंड दिस मस्ट बी -30 माइक्रोकूलम। सो चार्ज ऑन कैपेसिटर विल बी कंसिडर्ड हियर एज 30 माइक्रोकूलम चार्ज, x इज पॉजिटिव y इज नेगेटिव, सो vx इज एट हायर पोटेंशियल, तो vx minus vy will be written as q by c which is 30 by 5, this 6 volt। ये हमारा आंसर हो गया vxy। एनर्जी स्टोर्ड इन दिस कैपेसिटर की बात की जाएगी, दिस हाफ इनटू C इज 5, V इज 6, दिस 6 स्क्वायर, सो दिस विल बी 30 मल्टीप्लाइड बाई 5, 150 बाई 2, दिस 75 माइक्रोजूल। अगर इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड between plates electric field is always due to the phase charges, so this 30 divided by area of plate, अगर इस plate का area A given है तो यहाँ का charge density sigma हो जाएगा 30 micro coulomb divided by area, so this 30 by A divided by epsilon, this is the electric field. So with such cases, अगर इनके बीच का फोर्स निकालना है, you can use q square by 2 epsilon naught. There are lot of variations involved in this, लेकिन जो q square by 2 epsilon naught होगा वो फोर्स इन दोनों चार्जेस की वजह से होगा। ये -10 अभी अकाउंट नहीं हुए हैं, तो इन दोनों का रिपल्शन भी आप अकाउंट कर सकते हो, बट एक बार करके देखो देन यू विल रियलाइज कि कोई मेजर इफेक्ट नहीं आएगा। किस तरीके से मैनेज होंगे दैट यू कैन सॉल्व एंड वेरीफाई कि ओवरऑल इम्पैक्ट क्या आता है। इस प्लेट से इस पे कितना फोर्स लगेगा, इससे इस पे कितना फोर्स लगेगा। आई एम लीविंग इट एज अ होमवर्क फॉर यू टू कैलकुलेट। देखो, फाइंड फोर्स बिटवीन प्लेट्स एक्स एंड वाई इन केस 1 एंड 2। केस 1 ये रहा, केस 1 में जो बैटरी है वो 6 वोल्ट की लगाई हुई है और यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है वो वही 5 माइक्रोफैरड है। केस 2 में बैटरी है ही नहीं, दिस केस 2, जिसके अंदर क्या हो रहा है, चार्जेस 20 और 40 -40 माइक्रोकूलम गिवन है। इन दोनों केस के अंदर तुमको खुद कैलकुलेट करना है और चेक करना है कि फोर्स बिटवीन प्लेट्स में कितना फर्क आता है, दैट यू नीड टू चेक एंड वेरीफाई। थैंक यू फॉर जी। सो स्टूडेंट, एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज हीट डिसिपेशन इन चार्जिंग और चार्ज वेरिएशन इन अ कैपेसिटर। बिल्कुल सिंपल सा एक केस लेते हैं अपन। अगर एक कैपेसिटर C है और इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया है और यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है और इनिशियल चार्ज ऑन कैपेसिटर 0 है, V वोल्ट का बैटरी है। व्हेन यू क्लोज डाउन द स्विच, बैटरी विल सप्लाई चार्ज और इन स्टेडी स्टेट यहाँ पे चार्ज प्लस Q या माइनस Q आ जाएगा एंड Q वी कैन राइट एज C। और इस स्टेट के अंदर क्योंकि ये चार्ज इस बैटरी में से ट्रांसफर होके गया है तो हम ये कह सकते हैं, बिल्कुल एलिमेंट्री केस जो कॉन्सेप्ट वीडियो में भी हमने पढ़ा वही चीज ले रहे हैं। वी कैन से एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर यहाँ पे आएगी हमारे पास हाफ CV स्क्वायर। इफ वी कैलकुलेट दी वर्क डन बाय बैटरी इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ चार्जेस, तो वर्क डन बाय बैटरी होता है चार्ज फ्लो मल्टीप्लाइड बाय द बैटरी वोल्टेज, सो दिस QV, Q को CV लिखो, दिस बिकम CV स्क्वायर। सो बैटरी ने CV स्क्वायर वर्क किया और कैपेसिटर में इतना एनर्जी स्टोर हुआ, तो बाकी एनर्जी कहाँ गया, वो गया हीट डिसिपेशन में, बिकॉज करंट फ्लो होगा तो जूल हीटिंग इफेक्ट की वजह से सम एनर्जी इज डिसिपेटेड। तो हीट डिसिपेशन हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, H इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय बैटरी माइनस इंक्रीज इन एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो ये CV स्क्वायर माइनस हाफ C स्क्वायर, इट कम्स आउट टू बी हाफ CV स्क्वायर। बट ये काफी लंबा मेथड है एक सिंगल कैपेसिटर में, तो दिस मेथड लुक्स फाइन, बट जब मल्टी कैपेसिटर सर्किट होंगे, मल्टी बैटरी सर्किट होंगे तो ये बहुत लंबा मेथड हो जाएगा। तो इस सबको बाईपास करके आप हीट डिसिपेशन का एक डायरेक्ट फार्मूला ले सकते हैं, जो कॉन्सेप्ट वीडियोस में भी मैंने बताया है और एडवांस इलस्ट्रेशंस में भी कई जगह पे है। तो हीट डिसिपेशन कैन डायरेक्टली भी रिटर्न हीट डिसिपेशन इन अ कैपेसिटर, मल्टीपल होंगे तो इसको यूज करेंगे मल्टीपल के लिए। दिस रिटर्न एज डेल्टा Q होल स्क्वायर बाय 2C, ये चीज याद रखेंगे। फॉर मोर देन 1 कैपेसिटर इन अ सर्किट वी यूज टोटल हीट डिसिपेशन, जो आप यहाँ पे बात करेंगे वो आप कह सकते हैं H टोटल इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ डेल्टा Q I स्क्वायर बाय 2 CI, वेयर I इक्वल्स टू 1 to n, वेयर n आर दी नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। यहाँ पे तो डायरेक्ट है, इस पे इनिशियल चार्ज 0 था, फाइनल Q है तो हीट को आप लिख देंगे Q स्क्वायर बाय 2 C, तो ये सेम ही रिजल्ट आ रहा है। लेकिन मल्टी कैपेसिटर्स के केस में दिस रिलेशन होल्ड्स गुड ऑलवेज व्हेनेवर यू आर गोइंग टू फेस इट। मेजॉरिटी ऑफ केसेस इसी तरीके से हमारे हैंडल हो जाएंगे। JEE एडवांस में भी कई बार क्वेश्चंस आते हैं, तो यू नीड टू बी केयरफुल अगर हीट डिसिपेशन की जरूरत पड़ती है तो मल्टी कैपेसिटर केसेस हम आगे भी डिस्कस भी कर लेंगे, जिसमें हीट डिसिपेशन की स्विचिंग में कैलकुलेशन पूछी जाती है, तो दैट विल टेक अप। आइए आगे बढ़ते हैं। Thank you, Boji. So, student, just have a look on this question. We are required to find heat produced when S is closed. जब S ओपन है तो इस कैपेसिटर जिसका 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस है, प्लेट X और Y पे चार्ज 80 और -20 माइक्रोकूलम गिवन है। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इसकी इनिशियल जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होगी। सो 80 और -20 का सम हुआ 60, तो 60 का हाफ +30 यहाँ और +30 यहाँ रहेगा, और इसका टोटल 80 है, यहाँ +30 है तो यहाँ +50 रहेगा और यहाँ -50 रहेगा। आप देखिए टोटल चार्ज इसका -20, इसका टोटल चार्ज +80 है। सो इनिशियल चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर वी कैन कंसिडर टू बी 50 माइक्रोकूलम। सो क्यू इनिशियल आप लिख सकते हो 50 माइक्रोकूलम। जब स्विच को क्लोज करोगे तो 10 वोल्ट की बैटरी इसके अक्रॉस इंपोज हो जाएगी, तो क्यू फाइनल कैन ऑलवेज बी रिटर्न एज CV। C is 10 microfarad multiplied by V is 10, तो दिस शुड बिकम 100 माइक्रोकूलम। ये फाइनल चार्ज आ गया, यानी ये वाला 50 रेज होके हो जाएगा +100, ये वाला -50 रेज होके हो जाएगा -100। सो +50 से +100 हुआ है, तो इन दैट केस ये टोटल 50 to 100 जाएगा। तो डेल्टा Q कैन बी रिटर्न एज Q फाइनल माइनस Q इनिशियल इज 50 माइक्रोकूलम। सो हीट प्रोड्यूस वी कैन राइट एज डेल्टा Q स्क्वायर बाई 2C, वैल्यू डाल दो 50 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10। दिस विल बी 2500 डिवाइडेड बाई 20, so this is 125. 2500 by 10 is 250, by 2 is 125 microjoule. This is the answer to this question. Just have a look on the way how we are calculating, directly heat produce calculate कर रहे हैं। अगर मान लो ये क्वेश्चन ऐसा होता, solve previous question if battery polarity is reversed, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन अभी हमने क्या किया, बैटरी की पोलैरिटी रिवर्स कर दी, मतलब माइनस इधर है और प्लस इधर है, और अब यहाँ पे ये स्विच एस कनेक्टेड है। जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस सिचुएशन। तो इनिशियल यहाँ +50 था और यहाँ पे -50 था, तो Q इनिशियल वाज सेम एज 50 माइक्रोकूलम, और Q फाइनल क्या होगा, ऑब्वियसली ये भी CV होगा, दैट इज 100 माइक्रोकूलम, क्योंकि बैटरी तो 10 वोल्ट की है, सिर्फ पोलैरिटी बदली है। लेकिन फर्क क्या आ गया कि अब यहाँ पे +100 होगा और यहाँ पे -100 होगा। आप देखो सिर्फ Q फाइनल माइनस Q इनिशियल नहीं करना, ये +50 से -100 हुआ या -50 से +100 हुआ, तो व्हाट विल बी डेल्टा Q इन दिस केस, इट विल नो लॉन्गर बी 50। ये बैटरी की पोलैरिटी रिवर्स होने से डेल्टा Q हियर इज 150 माइक्रोकूलम। JEE एडवांस में आपको इस चीज का ध्यान रखना है, सिर्फ Q फाइनल माइनस Q इनिशियल नहीं करना है। तो जो चेंज इन चार्ज ऑन कैपेसिटर है वो 150 माइक्रोकूलम होगा। दिस इंप्लाइज हीट प्रोड्यूस विल बी 150 होल स्क्वायर बाई 2 इंटू 10। So this will be 22,500 divided by 20. So 2250 divided by 2 is 1125 microjoule. This would be the answer to this question. पहले 125 microjoule थी, अब 1125 microjoule heat produce होगी। So थोड़ा सा careful रहोगे और अपने brain को active रखोगे तो किसी भी तरह के question में कभी गलती नहीं होगी। But attentiveness is more important. It's not just formulas which you need to use and substitute the values and calculate the results. JEE Advanced is quite a different ball game, तो थोड़ा सा कोशिश करनी है। और इस तरह के questions की प्रैक्टिस के लिए अपनी जो बुक है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, दिस बुक इज ऑलरेडी अवेलेबल विद ऑल ऑफ यू, 700+ एडवांस इलस्ट्रेशन इन फिजिक्स फॉर JEE एडवांस। तो अगर कैपेसिटेंस भी देखोगे, इतने केसेस अवेलेबल हैं इस बुक के अंदर, आप वैरायटी ऑफ केसेस करते जो आपकी चीजें बिल्डअप होती चली जाएंगी। दैट्स व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। थैंक यू पोजी। स्टूडेंट्स, वन मोर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिस पे कई बार क्वेश्चंस अलग अलग वैरायटी में बन जाते हैं, दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ प्री चार्ज्ड कैपेसिटर। आपको दो कैपेसिटर दिखाई दे रहे हैं, 2 और 4 माइक्रोफैरड के। इनिशियल चार्जेस आर गिवन टू द प्लेट्स आर 10 माइक्रोकूलम एंड 50 माइक्रोकूलम। अगर इसका पोटेंशियल देखेंगे तो Q बाई C 10/2 इज 5 वोल्ट होगा, और इसका जो V2 पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो 50/4 दैट विल बी 12.5 वोल्ट होगा। सो ऑब्वियसली जब ये कैपेसिटर्स को कनेक्ट करोगे तो चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे अंटिल देयर पोटेंशियल डिफरेंस बिकम्स इक्वल। सो कई तरह के केसेस बन सकते हैं। लाइक इफ वी टॉक अबाउट केस 1, सो हियर यू कैन सी, अगर ये 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर जिसकी प्लस माइनस प्लेट्स हैं, इसको अपन ने इस 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर से पैरेलल में कनेक्ट किया और यहाँ पे एक स्विच लगा दिया, यानी जब इस स्विच को क्लोज करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे। अब हमसे ये पूछा जाता है कि भाई व्हाट विल बी द फाइनल चार्जेस ऑन द कैपेसिटर। सो इफ दिस इज X टर्मिनल, दिस Y टर्मिनल, तो इसकी लेफ्ट प्लेट के चार्जेस का सम होगा 10 + 50 60, राइट का -60, तो Vxy जो फाइनल होगा आफ्टर कनेक्शन, दिस विल बी इक्वल्स टू क्यू टोटल बाई सी टोटल। ये आप ध्यान रखें, क्यू टोटल विल बी 50 + 10 60 डिवाइडेड बाई, दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 + C2 होती है, दिस 6, सो दिस कम्स आउट टू बी 10 वोल्ट। सो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस 10 हो जाएगा जब इनको पैरेलल में जोड़ेंगे, तो Q ऑन 2 माइक्रोफेरेड विल बी C1V, दिस 2 × 10 is 20 microcoulomb, Q on 4 microfarad will be 4V, C2V that is 40 microcoulomb. अब अगर ये पूछा जाए स्विच की क्लोजिंग पे कितनी हीट प्रोड्यूस हुई, अब आप ये देख सकते हो Q जो 2 माइक्रोकोलम है उसका इनिशियल चार्ज था 10 और इसका फाइनल चार्ज आया 20, इसका इनिशियल चार्ज था 50 और इसका फाइनल चार्ज आ गया हमारे पास 40। सो यहाँ से आप देख सकते हो डेल्टा Q1 जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, 10 to 20 यानी 10 माइक्रोकोलम। इसका जो डेल्टा Q2 निकलेगा वो भी 50 से 40 हुआ, पोलैरिटी रिमेन सेम, सो दिस इज आल्सो 10 माइक्रोकोलम। तो अगर यहाँ पे हीट प्रोड्यूस्ड ऑन क्लोजिंग S हमसे पूछी जाती है, तो H आप डायरेक्टली लिख सकते हो डेल्टा Q1 square by 2 C1 प्लस डेल्टा Q2 square by 2 C2। सो दिस गिव्स यू 10 square is 100 divided by 2 into 2 plus this 100 divided by 2 into 4, ये आंसर आ जाएगा, वैल्यू निकालो, इतना माइक्रोजूल हीट प्रोड्यूस। नाउ द सेम थिंग कैन ऑल्सो बी आस्क्ड फॉर केस 2 एज वेल। केस 2 में हमने क्या किया, मान लेते हैं 2 माइक्रोफेरेड को प्लस माइनस को 4 माइक्रोफेरेड से उल्टा करके जोड़ दिया, यानी इसका प्लस अब इधर है माइनस इधर है, आपस में कनेक्ट किया और फिर यहाँ पे ये स्विच लिया और अब इसको क्लोज किया, क्वेश्चन रिमेन सेम। तो अब अगर ये टर्मिनल x है और ये टर्मिनल y है तो अब Vxy क्या होगा, तो अब राइट साइड आप ध्यान से देखो, ये प्लस 50 है क्योंकि 4 पे चार्ज 50 था, 2 पे 10 था, तो ये 50 - 10 इधर 40 हो जाएगा और इधर -50 + 10 यानी -40 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे Vy is more than xy, तो ये वाला तो Vx - Vy निकलेगा, बट अब ये निकलेगा Vy - Vx क्योंकि राइट प्लेट फाइनली पॉजिटिव हो गई है। सो Vy - Vx हो जाएगा अपने पास Q टोटल डिवाइडेड बाई C टोटल एंड दिस विल बी 40 डिवाइडेड बाई 6 क्योंकि चार्ज हो गया 40 माइक्रोकुलम और कैपेसिटेंस वही 6 है, सो दिस विल बी 20/3 वोल्ट, दिस इज द फाइनल वोल्टेज। तो अब Q ऑन 2 माइक्रोफेरेड अगर फाइनल निकालोगे तो दिस विल बी C1V, सो दिस विल बी 2 × 20/3 दिस 40/3 माइक्रोकुलम। फाइनल चार्ज ऑन 4 माइक्रोफेरेड निकालोगे, दिस इज C2V, दिस 4 × 20/3 80/3 माइक्रोकुलम। नाउ हीट निकालनी है तो कॉरस्पॉन्डिंगली दैट यू कैन कैलकुलेट, जैसे हमने ऊपर निकाली डेल्टा Q1 डेल्टा Q2 बहुत केयरफुली निकलेंगे क्योंकि 2 का माइनस से प्लस हुआ है तो ऐड होगा जैसा पिछले केस में किया था, 4 में प्लस से प्लस ही रहा है तो इसमें सब्ट्रैक्ट होगा, तो बी केयरफुल। ये वाला H निकालो एंड पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू आर गेटिंग, सो दैट विल हेल्प यू इन एनालाइजिंग द फाइनल रिजल्ट। आइए आगे बढ़ते हैं एक और केस की तरफ। तो प्री चार्ज कैपेसिटर आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी पैरेलली कनेक्ट किए जाते हैं 2 तरह के केसेस बन जाते हैं, इन बोथ केसेस हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज दैट आई एक्सप्लेन यू। थैंक यू फॉर जी। सो स्टूडेंट कुछ सर्किट एनालिसिस की भी बातें करते हैं, बिकॉज वैरायटी ऑफ सर्किट्स आर ऑलरेडी टेकन इन पीजी बुक इन एडवांस इलस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट वीडियोस। सो एडवांस लेवल पर जो सर्किट्स आते हैं वो जनरली आर और सी के मिक्स आते हैं, बट फिर भी हम कैपेसिटेंस के कुछ केसेस क्विकली ले लेते हैं ताकि आर सी सर्किट्स पे हम थोड़ा वो टाइम डिवोट कर सकें। बट सर्किट्स आर नॉट अ क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पे कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। कैपेसिटेंस के मोस्ट ऑफ द केसेज ऑलरेडी टेकन एंड वैरायटी ऑफ केसेज आपको देखने हैं एडवांस इलस्ट्रेशन में, आपको काफ़ी मिल जाएंगे। So let us have a look on capacitive circuit analysis by nodal method. Nodal method is an alternative name for Kirchhoff's current law for capacitors or capacitive circuits. कैपेसिटिव सर्किट्स के लिए जो किरचॉफ्स करंट लॉ लगाया जाता है, और ये एक्चुअली करंट के लिए नहीं होता है, दिस इज यूज्ड फॉर चार्जेस क्योंकि कैपेसिटर्स में से तो स्टेडी स्टेट में करंट फ्लो होता ही नहीं है। सो दिस व्हाट वी कॉल किरचॉफ्स करंट लॉ which is used for charges and that is what we use for capacitors. अब आपके सामने एक सर्किट दिख रहा है and all of you know this is a familiar Wheatstone bridge circuit. 5 कैपेसिटर हैं but this is unbalanced Wheatstone bridge. ये हमारा unbalanced Wheatstone bridge है। इसके ऊपर एक फिजिक्स एंड मिनट वीडियो भी है, आई थिंक अभी रिलीज नहीं हुआ है या हो चुका होगा जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे। सो दैट PIM वीडियो ऑल्सो यू नीड टू बी कॉन्शियस अबाउट कि अनबैलेंस Wheatstone ब्रिज को क्विकली कैसे सॉल्व किया जा सकता है। सो अगर हमको XY टर्मिनल्स के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। और अगर वीट स्टोन ब्रिज बैलेंस है यानी C1 बाई C2 इक्वल टू C3 बाई C4 होता तो बीच वाला हटा देते हैं, ये बात सबको पता है, तो सीरीज पैरेलल से निकल के आ जाएगा। लेकिन अगर अब हमको उस Pxy निकालना, कैपेसिटेंस अक्रॉस xy निकालना है तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे, एक बैटरी कंसिडर करेंगे V और ये देखेंगे इसमें से कितना चार्ज Q फ्लो होता है बैटरी का स्विच क्लोज करने पे। तो जो Cxy होगी दैट शुड बी Q फ्लोन थ्रू बैटरी डिवाइडेड बाय बैटरी वोल्टेज। और क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यूज है कैलकुलेशन इसके लिए हम बैटरी 100 वोल्ट की ले लेंगे। हमेशा ध्यान रखो 100 वोल्ट की बैटरी जेब में रखा करो, उठा के लगा दिया करो किसी भी सर्किट को सॉल्व करना है, क्योंकि कैपेसिटेंस बैटरी पे डिपेंड नहीं करती। बैटरी कितनी भी लगाएंगे तो चार्ज प्रोपोर्शनेटली बढ़ेगा। Q फ्लोन विल बी इक्वल्स टू CV, V बढ़ाओगे चार्ज बढ़ेगा बट कैपेसिटेंस इज कांस्टेंट। तो कैलकुलेशन इसके लिए 100 वोल्ट यूज करना इज ऑलवेज गुड। सॉल्व कैसे करेंगे, हाउ वी अप्लाई नोडल मेथड। बैटरी का पहले पोटेंशियल ले लो, नेगेटिव साइड का 0 वोल्ट है और पॉजिटिव साइड का 100 वोल्ट है, सो दैट इट्स डिफरेंस इज 100। अब हमारे पास एक ये नोड है, ये नोड है। नोड मीन्स ऐसे टर्मिनल जो बैटरी के किसी टर्मिनल से कनेक्टेड नहीं है। अब देखो यहाँ पे ये बैटरी, ये वाला जो नोड है इस नोड की ये 3 प्लेटें जुड़ी हुई हैं और इस नोड से ये 3 प्लेटें जुड़ी हैं। ये ना तो बैटरी के राइट साइड से जुड़ा है ना लेफ्ट से जुड़ा है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे पोटेंशियल X होगा और यहाँ पे पोटेंशियल Y होगा। Then we write nodal equations. What are nodal equations? Nodal equations are basically, here we can say, nodal equations are basically the equations which are giving us an idea about the total charge of a node which should always remain equal to 0. तो यहाँ पे ये जो नोड है इस नोड का जो टोटल चार्ज है ये 0 होना चाहिए, यानी ये 3 प्लेट्स इससे जुड़ी हुई हैं, इन तीनों के चार्जेस का सम 0 होगा। तो इस पे चार्ज कितना होगा CV, तो 2 into x minus 100। नोडल इक्वेशन फॉर x आप लिखेंगे तो 2 into x minus 100 प्लस 2 into x minus y प्लस 8 into x minus 0, this should be 0. I hope you are getting how I am writing this equation. चार्ज होता है CV, तो इसका चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस इज दिस माइनस दिस, इसका चार्जेस, इसका कैपेसिटेंस इंटू दिस पोटेंशियल माइनस दिस पोटेंशियल। 8 माइक्रोफैराड का चार्जेस 8 इंटू इसका पोटेंशियल x माइनस इसका पोटेंशियल 0। तरह फॉर y, ये x की निकाली अपन है, y की अगर नोडल इक्वेशन लिखेंगे 4 पे चार्ज होगा 4 इंटू वाई माइनस 100 प्लस 2 इंटू वाई माइनस x। देखो यहाँ पे x माइनस वाई क्या है, y माइनस x, क्योंकि इस प्लेट का चार्ज निकालना है तो इसका पोटेंशियल माइनस इसका पोटेंशियल करना पड़ेगा। तो दोनों प्लेट्स पे चार्ज इक्वल अपोजिट होता है, दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। प्लस इस 4 माइक्रोफैराड की प्लेट पे 4 इंटू वाई माइनस 0, दिस इज 0। आप सॉल्व करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को तो यहाँ से x भी निकल जाएगा और y भी निकल जाएगा। वंस यू गॉट द वैल्यू ऑफ x एंड y, यू कैन इजिली कैलकुलेट कि कितना चार्ज बैटरी में से फ्लो हो रहा है। तो Cxy कैन बी रिटन एज, डिनोमिनेटर इज 100, चार्ज जो इधर से आएगा इन दोनों प्लेट्स का चार्ज होगा या इन दोनों का होगा, आइदर यू कैन टेक। तो इन दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा 8x प्लस 4y। और द सेम कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2 इंटू 100 माइनस x प्लस 4 इंटू 100 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 100। ये दोनों वैल्यूज निकाल के देख लो, दोनों सेम आएंगे एंड दैट विल बी द आंसर फॉर द equivalent capacitance of this unbalanced Wheatstone bridge. Same logic resistances में भी काम आएंगे। तो जब हम current electricity देखेंगे then we'll talk, but बहुत ज़्यादा circuits के अंदर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि elementary Kirchhoff's current law, voltage law से circuit solve हो जाते हैं। I'll take a few more cases, but ये नोडल एनालिसिस एप्लीकेशन समझ में आना जरूरी है। इसी का मल्टी बैटरी केसेस पे भी हम एक एप्लीकेशन ले लेते हैं। यहाँ पे जो हमने बात करी है, यहाँ पे नोडल मेथड की बात करी है और अप्लाइड फॉर एन अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, तो उसका कैपेसिटेंस भी बहुत इजीली 2 स्टेप में निकल के आ रहा है। दैट्स व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड। थैंक यू पोजी। सो स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन हमारे सामने है। दिस इज अ मल्टी बैटरी मल्टी कैपेसिटर सर्किट एंड वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट चार्ज ऑन 5 माइक्रो कैपेसिटर सर्किट इन स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट की हम बात कर रहे हैं। स्टडी स्टेट मतलब जब सारे चार्ज कांस्टेंट हो जाएंगे, सर्किट करंट 0 हो जाएगा। सो अगर इस 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर पे हमको चार्ज कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ पे एक पोटेंशियल 0 ले लेते हैं और यहाँ पे पोटेंशियल x ले लेते हैं। दैट विल हेल्प अस इन एनालाइजिंग। तो चार्ज ऑन 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर वी कैन राइट एज 5x। x का वैल्यू निकालने के लिए आप देखिए, अगर यहाँ x पोटेंशियल है और ये 20 वोल्ट बैटरी है तो यहाँ का पोटेंशियल होगा x माइनस 20, क्योंकि नेगेटिव साइड इज 20 वोल्ट लेसर पोटेंशियल देन x। इफ दिस x माइनस 20 दिस 0, सो दिस मस्ट बी माइनस 40, क्योंकि अगेन नेगेटिव साइड इज 40 वोल्ट लेसर देन द पॉजिटिव साइड। अब आप ध्यान से देखो इस सर्किट के अंदर x की वैल्यू निकालनी है तो x से हमारी एक तो ये प्लेट जुड़ी हुई है कैपेसिटर की, एक ये प्लेट जुड़ी हुई है और एक ये प्लेट जुड़ी हुई है। तो वी कैन सिंपली राइट नोडल इक्वेशन फॉर x। x की नोडल इक्वेशन में इन तीन प्लेट्स के चार्जेस का सम हमको जीरो करना है। इस प्लेट का चार्ज होगा 5x माइनस जीरो प्लस इसका चार्ज होगा 10 इंटू एक्स माइनस 20 माइनस जीरो प्लस इसका चार्ज होगा 20 इंटू एक्स माइनस 20 माइनस और माइनस 40 इज प्लस 40। दिस शुड बी जीरो। आप सिंपली इसको सॉल्व करें। देखिए 5 तो वैसे ही कट गया, दिस 2 दिस 4, 4 plus 2 plus 1 is 7x and minus 40 minus 80 plus 160 is equals to 0. So 7x is equals to minus 40. This 160 minus 120 is minus 40. दूसरी तरफ आएगा x का वैल्यू आ गया minus 40 by 7 volt. So charge on 5 microfarad is 5 into 40 by 7. This gives 200 by 7 microcoulomb. इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। थोड़ा सा आप केयरफुली देखेंगे तो एक ही स्टेप में रिजल्ट निकल रहा है। कैलकुलेशन देख लेना, अगर मैंने कोई एरर करी भी है तो दैट यू कैन इजीली मैनेज, नॉट एन इश्यू। अब x का वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब ये प्लेट पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव होगी क्योंकि जीरो इज एट हायर पोटेंशियल और हायर पोटेंशियल प्लेट हमेशा पॉजिटिव होती है। सो दिस द वे हाउ मल्टी कैपेसिटर मल्टी बैटरी सर्किट्स कैन बी सॉल्व। और वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आई हैव टेकन इन पीजी बुक एडवांस इलस्ट्रेशन, आपको वहां से रेफर करना है। यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स या थ्योरी रिविजन में इंक्लाइन ज्यादा नहीं हूँ। वेराइटी ऑफ केसेज हम और लेंगे जो एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी हेल्प करता है। लेट अस प्रोसीड फर्दर। थैंक यू बोजी। सो स्टूडेंट, एक और कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस जो आती है सिमेट्री सर्किट प्रॉब्लम्स। सो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सिमेट्री सर्किट्स बहुत क्विकली हैंडल होती हैं इफ यू आर हैविंग अ गुड कमांड ऑन नोडल एनालिसिस। सो क्वेश्चन आई एम सॉल्विंग एट जस्ट हैव अ लुक ऑन कि कैसे मिनट्स के अंदर हम अगर एक सर्किट में सारे कैपेसिटर्स सी हैं तो एक्स वाई के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं। हाउएवर इन दिस क्वेश्चन देयर आर मल्टीपल मेथड्स एप्लीकेबल कि आप इसको फोल्ड कर लीजिए, ओपन कर लीजिए, जॉइंट्स को क्लोज कर लीजिए, वो भी मैनेज हो सकते हैं। देन आई विल टेक अप अ क्वेश्चन जो कि आपकी फोल्डिंग से सॉल्व ही नहीं हो सकता। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि सिमेट्री सर्किट में हमेशा फोल्डिंग से या इक्विपोटेंशियल पॉइंट के ओपनिंग या जॉइनिंग से ही सॉल्व होंगे। जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस क्वेश्चन फर्स्ट। नोडल एनालिसिस के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, 100 वोल्ट का बैटरी लगा देते हैं। तो यहाँ का वोल्टेज होगा 0, यहाँ का वोल्टेज होगा 100, मिडिल टर्मिनल का पोटेंशियल हम 50, 50 और 50 ले सकते हैं। और अगर 0 से यहाँ पे पोटेंशियल x और x राइज हुआ है तो सेम पोटेंशियल राइज यहाँ पे भी होना चाहिए फ्रॉम x टू 0। तो दिस विल बी 100 माइनस x एंड दिस विल बी 100 माइनस एक्स, यानी यहाँ पे जितना 100 से ड्रॉप होगा उतना ही यहाँ पे 0 से राइज होगा। सो एज वी हैव गॉट द पोटेंशियल, तो सी एक्स वाई कैन बी रिटन एज V इज 100 और जो पोटेंशियल होगा यहाँ पे 0 है। सो इन तीनों प्लेट्स का चार्ज हम कंसिडर कर लेंगे। दिस विल बी सी एक्स एंड दिस इज सी इंटू 50। सो दिस 2cx प्लस सी इंटू 50, दिस शुड बी द एक्स वाई। और इसके लिए हमको यहाँ पे पहले x की वैल्यू डालनी पड़ेगी और थोड़ा डेप्थ में जाना है, बहुत सारे केसेस हैंडल करने हैं। तो कॉन्सेप्ट वीडियो में देयर आर वैरायटी ऑफ केसेस, क्यूब वाले, हेक्सागन वाले, वो सारे सॉल्व किए हुए हैं, वहाँ पे स्टडी भी कर सकते हैं। एंड इवन देयर आर मल्टीपल केसेस इन एडवांस इलस्ट्रेशन, वो देख सकते हैं। सो यहाँ पे हम सिर्फ नोडल इक्वेशन फॉर x लिखेंगे एंड विल गेट द रिजल्ट। x की इक्वेशन के लिए दिस c इंटू एक्स माइनस 0 प्लस दिस c इंटू 50 प्लस दिस ऑल्सो c into x minus 50 and this also c into x minus 50 which should be 0. So c gets cancelled out. This will be 3x is equals to 100. So x we are getting as 100 by 3 volt. We can substitute over here. So this gives c as a common, c by 100 और अंदर हमारे पास आएगा 200 by 3 plus 50. So this gives us c by 100 multiplied by 350 by 3. So ये हमारे पास आता है 35 c by 30 and this gives us 7c by 6. That's the answer to this question. This is the way how we calculate. If you are having any confusion, आप concept video से इस तरह के बहुत सारे questions देख सकते हैं। So in one line we are getting the result. That's more important here to be understood. अब ये तो fold करने से भी हो जाएगा क्वेश्चन कि आप इसको fold करें, series parallel करें, but लंबा जाएगा, इतना फास्ट नहीं होगा। एक क्वेश्चन और मैं ले रहा हूँ। We are required to find cxy. I want you to try this question and solve it by using multiple methods. There is also a symmetry circuit question. ये एक्स वाई है, ईच कैपेसिटर इज सी. Now this is the circuit. Every capacitor is C. You are required to calculate CXY. I want you to solve this homework and post the answer in the comment section. This can only be solved using either KVL KCL से करो, नोडल एनालिसिस से दो स्टेप में सॉल्व होकर निकल जाए, लेकिन फोल्डिंग मेथड से दिस क्वेश्चन कैन नॉट बी डायरेक्टली सॉल्व. अब आप कैसे करेंगे इट्स अप टू यू, ट्राई करो. नोडल एनालिसिस का एडवांटेज आपको इस क्वेश्चन से पता भी चल जाएगा. तो बहुत सारे केसेस हम नहीं लेंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट केसेस जो आपके ब्रेन को चर्न कर सकते हैं दैट आई एम टेकिंग. एक बेसिक ले लिया मैंने और एक ऐसा क्वेश्चन ले लिया जो आपको नोडल से सॉल्व करके रिजल्ट निकालना है. आइए आगे बढ़ते हैं. थैंक यू पोजी. So student, next category we are talking about dielectric insertion in a capacitor. Base idea all of you are having, if we have a capacitor और इसमें एक डायलैक्ट्रिक स्लैब ऑफ डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट के अगर फिलअप करते हैं विच फिल्स द डायलैक्ट्रिक प्लेट सेपरेशन कंप्लीटली, देन द कैपेसिटेंस विल चेंज फ्रॉम C to KC because capacitance was epsilon naught A by D and new capacitance becomes K epsilon naught A by D. So this all of you are aware. लेकिन other than capacitance, if we talk about remaining parameters associated with capacitance, तो वो depend करते हैं whether capacitor is connected with a battery or not connected with a battery while insertion of dielectric. तो quickly हम दो cases पे discuss कर सकते हैं. Case one, if a battery is connected while inserting डायलैक्ट्रिक स्लैब, ये चीजें मैं ऑलरेडी रिविजन चेकलिस्ट में कवर कर चुका हूं जो आपने पढ़ी होंगी, बट स्टिल वंस अगेन आई एम टेकिंग, क्योंकि इन चीजों का आइडिया होना बहुत जरूरी है. अगर यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड है वाइल, इफ बैटरी इज कनेक्टेड वाइल इंसर्टिंग डायलैक्ट्रिक, सो इन दैट केस सिचुएशन वुड बी दिस. ये कैपेसिटर है और इसके अक्रॉस एक बैटरी जुड़ा हुआ है और यहाँ पे अब एक डायलैक्ट्रिक को इसमें इंसर्ट कर रहे हैं विच हैज अ डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट के बैटरी वोल्टेज इज वे. So in this case it is quite understood कि capacitance change होके हो जाएगी KC. Voltage battery क्योंकि connected it will remain V. अगर हम electric field between the plates देखेंगे तो electric field होता है V by D, तो क्योंकि V same है तो dielectric डालने के बाद भी electric field will remain E. कई लोगों को लगेगा अगर electric field E है एक dielectric डाल दिया तो dielectric में net electric field हो जाता है E by K, E by epsilon. That will not happen because battery is connected. सो अगर हम चार्ज की बात करेंगे, चार्ज इज सी वी, सो वी सेम है सी के सी हो गया, दिस बिकम्स के क्यू. एनर्जी इज हाफ सी वी स्क्वायर, सो वी रिमेन सेम, सी बिकम्स के सी, तो यू बिकम्स के यू. दिस इज व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड. दीज आर द वैल्यूज बिफोर एंड दीज आर द वैल्यूज आफ्टर, सो क्विकली यू जस्ट कीप दीज पैरामीटर्स इन माइंड. इसी तरीके से अगर हम केस टू की बात करें, इफ बैटरी इज disconnected after charging capacitor and dielectric is inserted, अब अगर इसमें dielectric insert करते हैं in this capacitor, what will happen? पहले बैटरी से इसको चार्ज किया तो इस पर चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू आ गया. अब बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, नेक्स्ट स्टेज इज दिस, दिस द कैपेसिटर प्लस क्यू माइनस क्यू, ऑलरेडी चार्जेस हैं. नाउ द डायलैक्ट्रिक इज बीइंग इंसर्टेड इनटू इट. नाउ एट दिस पोजीशन अगर अब हम इसमें डायलैक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं तो व्हाट विल हैपन, सी will certainly change to KC, बट क्योंकि बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो चार्ज विल रिमेन सेम. इफ वी टॉक अबाउट V, we talk about E, we talk about Q, तो Q remains same क्योंकि अगर बैटरी अगर यहाँ पे हटा दी गई है तो चार्ज में कोई चेंज नहीं आ सकता. एनर्जी विल कंसिडर एज Q square by 2C, so it will become U by K. V is retained, V cannot be retained because V is Q by C, so V will change to V by K and correspondingly E will change to E by K. तो ये वैल्यूज आपको सारी ध्यान में रखनी है. These are the values before insertion and these are the values after insertion. So this is important for all of us ki how we'll be taking it up. Now we come over to the next stage ki dielectric insertion के अलावा क्या क्या चीज़ें होती हैं डायलैक्ट्रिक से ही related cases में. Thank you, Poji. So student, these are some multiple cases in which in a capacitor more than one dielectric slab is there. इनमें से तीन cases जो 1 है, 2 है और 4 है, ये तीनों बहुत ही बेसिक हैं. जिस तरह के केसेस आपको जेईई मेन लेवल पे भी काम आ जाएंगे, लेकिन केस 3 स्लाइटली डिफरेंट एंड स्पेशल. लेट मी एक्सप्लेन. आप सबको पता है, आप बेसिक लेवल पे पढ़ चुके हो कि अगर दो डायलैक्ट्रिक स्लैब किसी कैपेसिटर में साइड बाय साइड डली होती हैं तो हम इसको C1 और C2 दो कैपेसिटर मान लेते हैं और इन दोनों को पैरेलल में कंसीडर कर लेते हैं, बिकॉज द टॉप प्लेट्स एंड बॉटम प्लेट्स आर कनेक्टेड टुगेदर. जिनका प्लेट एरिया A/2 ले लेंगे, प्लेट सेपरेशन D ले लेंगे, तो यहाँ पे CXY विल बी टेकन एज C1 plus C2. In this case, D/2 या वाटर डायलैक्ट्रिक थिकनेस इज गिवन, प्लेट एरिया A रहेगा और अब ये C1 C2 सीरीज में लिए जाएंगे. तो 1/CXY कैन बी रिटन एज 1/C1 प्लस 1/C2 और इसका रिजल्ट भी आपको दिमाग में रखना चाहिए. दिस क्वाइट यूजफुल. इट इज गिवन एज ε0A डिवाइडेड बाई D1/K1 प्लस D2/K2. इस पे बेस भी कई चीज़ें, अगर हाफ एयर है, सम थिकनेस ऑफ एयर इज देयर, रिमेनिंग थिकनेस ऑफ डायलैक्ट्रिक इज देयर, देन दिस कैन बी एक्सटेंडेड, जो आपको ऑलरेडी पता है, कई जगह किया है. इन केस नंबर 4 again what happens ki this is a capacitor C1, this is a capacitor C2, where C2 will write K3ε0, is plate ka area A/2 hoga divided by D, so this C3. But when we talk about C1, here C1 can be written as K1 K2 will be in series like this, so it will be ε0 A/2 divided by, if this D1 this D2, will write D1/K1 प्लस D2/K2. और ये जो C1 C2 इनकी टॉप प्लेट्स जुड़ी हुई हैं, बॉटम प्लेट्स जुड़ी हुई हैं, तो फ्रॉम हियर वी गेट CXY इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2. दिस इज द वे हाउ वी कैलकुलेट. बट इन केस 4 कई स्टूडेंट्स को ये लगता है यहाँ पे K1 और K2 को, जो दो कैपेसिटर हैं, उनको पैरेलल में ले लेंगे और K3 के साथ सीरीज में ले लेंगे एंड विल कैलकुलेट CXY एज C1 एंड C3, C1, C2 in parallel and C3 in series. So that will be an absolutely wrong method, because my dear student, ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा यहाँ पे वो सेम नहीं होगा. इन दिस केस जो हम ले रहे थे, हम कि इन दोनों को सीरीज में ले रहे थे, तो यहाँ और यहाँ फील्ड सेम नहीं है, लेकिन इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में पोटेंशियल तो सेम ही रहेगा. सिमिलरली यहाँ और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो अगर हम इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, तो दिस विल बी E2 एंड दिस विल बी E1 एंड E1 इज नॉट इक्वल्स टू E2. सो वी कैन से, सो K1 एंड K2 कैन नॉट बी कंसिडर्ड इन पैरेलल. दिस इज व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड. इनको पैरेलल में कंसिडर नहीं किया जा सकता. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ इन दिस सिचुएशन हियर वी से कि ये जो E1 E2 होगा और ये वाला E3 ले लीजिए, या ये E3 ले लीजिए और ये E3 होगा. सो E2 एंड E3 इन दिस रीजन, या E3 एंड E3 प्राइम विल बी सच दैट कि इस प्लेट और इस प्लेट और इस प्लेट और इस प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो. तो हम क्या करेंगे, वी अज्यूम कि K3 इज डिवाइडेड इन टू पार्ट, एक लेफ्ट और एक राइट. फिर इस सिस्टम को इसके साथ पैरेलल में लेना है, क्योंकि ये प्लेट्स आपस में कनेक्टेड हैं, तो देयर पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट रिमेन सेम. तो इसका जो CXY होगा, दिस विल बी C1 प्लस C2, वेयर आई विल यूज C1 इज इक्वल्स टू ε0 A/2 डिवाइडेड बाई D1/K1 प्लस D2/K3. दिस इज से D2 एंड दिस से D1. So now in this case, correspondingly C2 will be ε0 A/2 upon D1/K2 plus D2/K3. अब इन दोनों को यहाँ डालोगे, then you'll get the CXY, because this capacitor and this capacitor can be considered in parallel, क्योंकि इसकी और इसकी प्लेट सेम है, आपस में कनेक्टेड है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है. बट K1 और K2 का, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट है, तो K1 K2 का पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं हो सकता. तो वी कैन नॉट कंसिडर K1 K2 इन पैरेलल. दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग टू एक्सप्लेन हियर एट JEE एडवांस लेवल. मैंने बाकी केसेस बताए, अदरवाइज दिस इज अ वेरी एलिमेंट्री थिंग. लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट केस. थैंक यू भोजी. So student, next section is also based on different type of cases of dielectric, particularly on force on dielectric slab when it is being inserted in a capacitor. दो केसेस हमारे सामने, एक में बैटरी कनेक्टेड है और एक में बैटरी डिसकनेक्टेड है, बट कैपेसिटर इज ऑलरेडी चार्ज्ड. So when the dielectric is placed due to the charge plus q and minus q on the plates, इस पे opposite bound charges develop होंगे minus and plus, and due to the bound charges it will be attracted inside with a force F. Now जैसे डायलैक्ट्रिक एंटर होता जाएगा इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, वैसे वैसे चार्ज भी इंक्रीज होगा क्योंकि यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड है. लेकिन अगर बैटरी डिसकनेक्टेड है तो डायलैक्ट्रिक इंसर्ट होने पे कैपेसिटेंस तो बढ़ेगा लेकिन चार्ज फिक्स रहेगा, तो पोटेंशियल व्हेन वी टॉक अबाउट क्यू बाई सी द पोटेंशियल विल डिक्रीज बिकॉज कैपेसिटेंस इज इंक्रीजिंग एज इट इज गेटिंग इनटू, एंड इफ वी टॉक अबाउट द ओवरऑल एनर्जी इन कैपेसिटर इट विल सर्टेनली डिक्रीज. क्योंकि एनर्जी यहाँ पे डिक्रीज होगी इसलिए फोर्स अंदर लगेगा, बिकॉज वी नो इन एनी केस अ बॉडी एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इन द डायरेक्शन वेयर इट्स ओवरऑल एनर्जी डिक्रीजेस. इस फोर्स की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं, दिस मैग्नीट्यूड ऑफ डी यू बाई डी एक्स. एनर्जी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एक ये हाफ कैपेसिटर एयर है, हाफ कैपेसिटर डायलैक्ट्रिक है, और उससे एनर्जी निकाल के डिफ्रेंशिएट करिए, यू विल गेट द रिजल्ट. ये रिजल्ट मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बिकॉज द स्टैंडर्ड आई हैव ऑलरेडी डिराइव्ड इन कॉन्सेप्ट वीडियोस, तो मैं चाहूँगा डेरिवेशन अगर देखना चाहें आप देख लीजिए, दिस एप्सिलॉन नॉट बी वी स्क्वायर बाई 2d मल्टीप्लाइड बाई k माइनस 1. इस केस में भी आप ऐसे ही फोर्स निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ डी बाई डी एक्स, बिकॉज वी नो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सो वी डोंट नीड टू अकाउंट द साइन. दिस आई वांट यू टू कैलकुलेट एज योर होमवर्क एंड पुट इट इन द कमेंट सेक्शन टू चेक वेदर यू आर गेटिंग द करेक्ट आंसर और नॉट. बट ये दोनों रिलेशंस, यहाँ फोर्स कांस्टेंट रहता है बट यहाँ फोर्स फंक्शन ऑफ एक्स निकलेगा. दोनों रिलेशंस यूजफुल हैं, कई तरह के केसेस में काम आते हैं, लाइक आई जस्ट टेक अप सम एप्लीकेशंस ऑल्सो. इस तरह के कई जगहों पे केसेस की जरूरत हमको पड़ जाती है, दैट ऑल्सो आई एक्सप्लेन. लाइक फॉर एन एग्जांपल, देयर इज अ लिक्विड डायलैक्ट्रिक और एक लिक्विड डायलैक्ट्रिक पे एक कैपेसिटर को हमने टॉप से वर्टिकली लोअर किया, से दिस कनेक्टेड विद अ बैटरी, और जैसे ही टच करेंगे तो ड्यू टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन लिक्विड डायलैक्ट्रिक ये डायलैक्ट्रिक h हाइट तक राइज कर जाएगा इस सिस्टम के अंदर. और अगर इसकी प्लेट्स का एरिया हमारे पास LB है, वेयर B इज द डेप्थ ऑफ द प्लेट एंड L इज द लेंथ ऑफ प्लेट, और हमसे पूछा गया है फाइंड h कि कितनी हाइट तक लिक्विड इस प्लेट इन प्लेट्स के बीच में राइज करता है. तो हाउ विल कैलकुलेट इन दिस सिचुएशन? The value of h can be calculated in a different way. How we can calculate it? That can be seen over here. कि जो इस पे force लग रहा है वो इसके weight को balance करेगा. So the force we can write epsilon naught bv square by 2d. d is the plate separation multiplied by k minus 1. This should balance out the weight of the liquid in which is inserted between the plates. So this can be given as rho. Volume is hb. multiplied by g. This is the way how we calculate the height h. इस तरह से अगर बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो you are going to use the second formula which you have derived as your homework. उसको equate करके फिर h निकालोगे. So there are variety of situations which can be asked, so you need to be very careful. If a force is to be calculated in case of horizontal submerging a capacitor plate in a liquid, let us consider. इस तरह के लिक्विड डायलैक्ट्रिक में हमने क्या किया, इस प्लेट को सबमर्ज किया, देन ऑल्सो व्हाट विल हैपन, डायलैक्ट्रिक हॉरिजॉन्टली इसमें राइज कर जाएगा. इस तरह के आपको रोडो में क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, बट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल हाउ वी कैलकुलेट. अगर इस पे चार्ज प्लस क्यू और इस पे माइनस क्यू है, या इसका सिग्मा कैन बी रिटर्न एज क्यू बाई ए. इफ यर प्लेट एरिया इज इक्वल्स टू ए, देन इन दिस सिचुएशन इफ दिस एक्स and here this y, so as it is being inserted, now in this case we can say this plus यहाँ पे bound charges minus sigma i develop होंगे, और यहाँ नीचे bound charges plus sigma i develop होंगे. now in this case ये जो negative charge की layer है इसके ऊपर upward force f लगेगा, due to which it will rise to a height h. so at equilibrium what you can write, this force should be balanced by h multiplied by a multiplied by rho g, because a is the plate area, A multiplied by H is the volume of liquid which has been reached into it, multiplied by G multiplied by density, this balancing the force. This is the equilibrium height. And how we calculate the force? Force can be simply calculated as sigma I multiplied by area multiplied by the electric field at a height H. इस पॉइंट पे अगर नेट अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड E है, so this E must be due to this sigma, due to this minus sigma and due to this plus sigma, because we don't account the dielectric constant directly. So in the value of sigma I, we can include sigma as multiplied by 1 minus 1 by K. This will be the value of sigma I. Now as I have accounted this dielectric constant, I don't need to account it again. So electric field will be due to this and due to this. ये जो तीनों चार्ज डेंसिटीज हैं, माइनस सिग्मा और प्लस सिग्मा आई, इनकी वजह से नेट इस माइनस सिग्मा आई पे जो फोर्स लगेगा दैट हैज टू बी बैलेंस्ड बाय द वेट ऑफ दिस लिक्विड दैट विल डायरेक्टली गिव यू द हाइट एच. दिस वेरी इंपॉर्टेंट. कई जगह इस क्वेश्चन के आंसर आपको गलत मिल जाएंगे, बट दिस द सिंप्लीफाइड वे एंड सिंपलेस्ट फंडामेंटल वे टू सॉल्व. आप सॉल्व करके देखिए एंड वेरीफाई व्हाट आंसर यू आर गेटिंग, दैट वुड बी एग्जैक्टली द करेक्ट आंसर. एंड सिमिलर केसेस ऑल्सो टेकन in advanced illustration also, that you need to be very careful. Thank you, Boji. Student, एक similar case है, फर्क सिर्फ इतना सा, instead of a straight insertion of dielectric, यहाँ पे dielectric rotate हो रहा है. आप देखिए दो हाफ सर्कुलर प्लेट्स हैं जिनसे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C बनाया हुआ है, और इसमें एक डायलैक्ट्रिक है जो सेंट्रल पॉइंट पाइवोट O के अबाउट इट कैन रोटेट. यू कैन सी, अगर इसको रोटेट करेंगे तो ये डायलैक्ट्रिक बाहर आ जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो पूरा फिल हो जाएगा. तो जब पूरा फिल होगा तो C विल चेंज टू KC इफ दिस हैज अ डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट K. नाउ इन दिस सिचुएशन हियर वी कैन स्टेट व्हाट विल हैपन. जब इसको पूरा फिल अप करेंगे तो एट द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिलिंग ऑफ द डायलैक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स कैपेसिटेंस विल चेंज टू KC. अब अगर ये पार्टली फिल किया हुआ है, थीटा एंगल इंसर्ट किया हुआ है, तो विल कंसिडर वन कैपेसिटर C1, अदर C2, एंड दिस इज एक्चुअली C1 प्लस C2, वेयर C1 इज एन एयर कैपेसिटर, C2 इज अ डायलैक्ट्रिक कैपेसिटर. नाउ इन दिस सिचुएशन वी विल जस्ट एनालाइज हियर कि इस सिस्टम की कैपेसिटेंस तो ये होगी. एनर्जी विल कैलकुलेट एट एनी इंस्टेंट इज गिवन एज हाफ ऑफ C1 प्लस C2 मल्टीप्लाइड बाय V स्क्वायर. And with this energy, when the dielectric is being inserted, what will happen? In this case, we can directly state the force, or we can write torque of force acting on dielectric. Torque of force acting on dielectric can be given as, यहाँ पे जो टॉर्क होगा दिस यू कैन राइट एज मॉड ऑफ डी यू बाई डी थीटा इंस्टीड ऑफ डी यू बाई डी एक्स फोर्स एंड देन टॉर्क डायरेक्टली. दिस विल गिव यू द रिजल्ट ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन डायलैक्ट्रिक. सो कभी भी जरूरत पड़ती है टॉर्क कैलकुलेशन की, आप सिंपली एनर्जी को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट कर दीजिए. दिस इज अ फंडामेंटल क्वेश्चन, कई जगह मिलेगा, लेकिन इस तरह के और भी कई क्वेश्चन आ सकते हैं. तो अगर टॉर्क कैलकुलेशन की जरूरत है, यू आर गोइंग टू यूज दिस रिजल्ट एंड कॉरस्पॉन्डिंगली इट विल गिव यू द वैल्यू, क्योंकि C1 C2 की वैल्यूज में थीटा होगा. C1 में इट इज पाई माइनस थीटा, C2 में इट इज थीटा. तो C1 C2 की वैल्यूज थीटा के टर्म्स में, V इज अ कॉन्स्टेंट, कॉरस्पॉन्डिंगली यू विल गेट द टॉर्क ऑन डायलैक्ट्रिक. थैंक यू पोजी. सो स्टूडेंट, एक और कैटेगरी है, बहुत तरह के क्वेश्चन एडवांस लेवल पे बनते हैं. हाउएवर इन केस ऑफ JEE मेन इस तरह के क्वेश्चंस या नीट में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते. दैट इज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन करंट थ्रू कैपेसिटर. एक बेस एनालिसिस देखते हैं, देन विल कंक्लूड दिस चेकलिस्ट. और इसी पे बेस्ड हमारा RC सर्किट सेक्शन है, और क्योंकि RC सर्किट में रेजिस्टेंसेज हैं, करंट रिलेटेड ज़्यादा एनालिसिस है, तो द वेरी नेक्स्ट चेकलिस्ट कमिंग अप ऑन करंट इलेक्ट्रिसिटी that will be including the section of RC circuit along with other cases of current electricity. Let's have a look on this. Here we are talking about problems based on current through capacitor. तो एक कैपेसिटर है, बैटरी से कनेक्टेड है. जब हम स्विच को t equal to 0 पे क्लोज करते हैं तो यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू होती है, और ये करंट वी नो वेल कि जब भी किसी कैपेसिटर प्लेट पे करंट आएगा तो इसका चार्ज यहाँ पॉजिटिव डिपॉजिट होगा और यहाँ से नेगेटिव चार्ज रिलीज होगा. दैट्स व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड. चार्ज विल कॉन्टिन्यूसली ग्रो, और जैसे जैसे चार्ज ग्रो करेगा वैसे वैसे इसका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर ग्रो करेगा, और जैसे ही कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V के बराबर हो जाएगा तो करंट जीरो हो जाएगा. So we can write as VC becomes equal to V, current will tend to 0 and Q becomes steady equal to CV. This is what you need to keep in mind. And this state, जब current 0 हो जाती है और charge CV हो जाता है और potential difference across capacitor fix हो जाता है, ये vary करना बंद कर देता है. This is called steady state of capacitive circuit. This is what you need to understand, कि this is what we call a steady state of capacitive circuit. तो steady state में current zero हो जाते हैं, सब कुछ rest पे आ जाता है. Now, अगर इस capacitance के parameters को change किया जाए किसी तरीके से, तो वापस से क्या होगा? Current appear करेगा और फिर थोड़ी देर बाद चार्ज फिक्स हो जाएगा, नया कैपेसिटेंस इनटू वी हो जाएगा और वापस से स्टडी स्टेट आ जाएगी. लाइक फॉर एग्जांपल एक मैं क्वेश्चन लेता हूं, इफ इन अबोव सर्किट कैपेसिटर प्लेट्स स्टार्ट्स मूविंग एट स्पीड वी टुवर्ड ईच अदर, find current in circuit. Just have a look. अगर कैपेसिटर प्लेट्स को मूव करना शुरू किया तो बीच का सेपरेशन चेंज होगा. तो वी कैन राइट आफ्टर टाइम टी प्लेट सेपरेशन. अब मैं सॉल्यूशन में सिर्फ एक ही चीज देखूँ, आफ्टर टाइम टी प्लेट सेपरेशन अगर डी एट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम डी टी इक्वल्स टू मैं ले लेता हूँ डी नॉट माइनस 2 वी टी, क्योंकि अगर दोनों प्लेट एक दूसरे की तरफ v से चल रही हैं तो t टाइम में इसका सेपरेशन, अगर इनिशियली ये वाला d नॉट था तो अब चेंज हो जाएगा d नॉट माइनस 2 वी टी. सो न्यू कैपेसिटेंस एट टाइम t अगर देखें तो आफ्टर टाइम t प्लेट सेपरेशन आ गया, न्यू कैपेसिटेंस एट टाइम t विल बी एप्सिलॉन नॉट a बाई डी टी. सो न्यू इंस्टेंटेनियस चार्ज ऑन कैपेसिटर अगर अपन देखें, new instantaneous charge on capacitor is CTV. So as charge on capacitor we have got circuit current can be given as always dq by dt. Instantaneous charge को आप differentiate कर दीजिए, you'll get circuit current. So current can be written as d over dt of CTV. What is CT? This epsilon naught a by dt is d naught minus 2 vt multiplied by v. आप जो भी डिफरेंशिएट करेंगे ये हमारे पास आंसर आ जाएगा क्योंकि करंट पूछी गई. एंड दीज आर द स्टेप्स टू कैलकुलेट करंट इन ऑल सच केसेस. आपको किसी भी इंस्टेंट पे चार्ज कैलकुलेट करना है और उसको डिफरेंशिएट करना है, दैट्स इट. इस तरह के बहुत केसेस बन सकते हैं. एक केस और मैं ले रहा हूँ, यू विल फाइंड मेनी केसेस इन पीजी बुक, यू विल फाइंड सम क्वेश्चन इन एडवांस इलस्ट्रेशन ऑल्सो. लाइक एक अभी जो हमने किया उसी तरह का केस लेते हैं. वी आर हैविंग अ बैटरी द प्लेट सेपरेशन हियर इज डी नॉट, plate area is equals to A, and here we are inserting a dielectric into it with the velocity V. It is having a dielectric constant K. इसका dielectric constant K है और इसमें dielectric insert हम कर रहे हैं. Now in this situation if it is being inserted with the velocity V, और अगर ये x इंसर्ट हो चुका है, x यू कैन राइट एज वी टी टी इक्वल्स टू 0 पे बाहर था, एंड वी विश टू कैलकुलेट फाइंड सर्किट करंट. सो टू कैलकुलेट सर्किट करंट इस पे चार्ज प्लस q माइनस q वी नीड टू कैलकुलेट. सो सी टी जो t टाइम पे कैपेसिटेंस होगी, ये x है, दिस l माइनस x अप टू विच इट इज इंसर्टेड. सो हियर वी कैन से सी टी विल बी एप्सिलॉन नॉट, इसका जो एरिया होगा दिस विल बी एक्स बी मल्टीप्लाइड बाई के डिवाइडेड बाई टी प्लस एयर कैपेसिटर एप्सिलॉन नॉट एल माइनस एक्स बी डिवाइडेड बाई डी. सो यू हैव गॉट सी टी, चार्ज एट अ टाइम टी कैन बी रिटन एज सी टी वी, करंट विल बी डी क्यू टी बाई डी टी. सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर करंट. सो माय डियर स्टूडेंट, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल एनालाइजिंग सर्किट करंट. कई तरह के क्वेश्चन इस पर बन जाएंगे. I strongly prefer again as I show you in the advanced the advanced illustration book. Here also I'll show you in the level of capacitance. अगर आप book देखेंगे तो JEE Advanced illustration की जो book है, I just check in this, the section of capacitance is at page number 303. Have a look over here. This is electrostatics. Already we have covered. So in capacitance, you can see there's a very important section which is actually a part of electrostatics. There are 39 illustration already given. Liquid rising in capacitor is similar to what we studied. So ये सारी चीज़ें already हम base level के ऊपर तो बात कर चुके हैं, लेकिन आप देखें circuit analysis के कितने सारे cases हैं, different type of capacitors, different type of cases on which advanced problems can be framed are given. तो आपने ये अगर booster checklist cover कर ली है और इससे पहले 39 questions किए, एक बार quickly overview ले लीजिए इन 39 situations का. तो ये जो advanced illustration है हमारे, this will give you the complete idea about capacitance. So here we conclude electrostatics actually, so because capacitance is a part of electrostatics only. तो आप इस section को cover up करके रखिए. Next checklist में हम current electricity लेंगे, जिसमें हम RC circuits को cover करेंगे, which we haven't covered here in the booster checklist of capacitance, क्योंकि current electricity के logics are also going to be used in RC circuits. So here we conclude. Wish you all the best.